गुजरात की राजनीति में एक बीजेपी विधायक के बयान से खलबली मच गई। बीजेपी विधायक का आरोप है कि अधिकारी उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं। कई सालों से वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लगातार शिकायत करते रहे, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी। विरोधियों को भी बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया और इसलिए राज्य की राजनीति गर्मा गई। यह है सूरत के वराछा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक कुमार भाई कानानी। कुमार भाई कानानी वराछा विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक हैं और रूपानी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी रहे हैं। भाजपा विधायक कुमार भाई कानानी अपने बयानों को लेकर अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से कुमार भाई कानानी सुर्खियों में इसलिए आ गए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ही पार्टी की शासन वाली सूरत महानगर पालिका के अधिकारियों पर उनकी बात नहीं सुनने का आरोप लगाया है। दो दिन पूर्व सूरत मनपा अधिकारियों और विधायकों के बीच हुई संकलन बैठक में भाजपा विधायक कुमार भाई कानानी ने अपनी क्षेत्रीय समस्याओं का मुद्दा उठाया था और कहा था कि 25 साल हो गए हैं और उनकी कोई नहीं सुन रहा, अब उन्हें उनके सवालों का जवाब चाहिए। कुमार भाई कानानी ने अपनी ही पार्टी की शासन वाली सूरत महानगर पालिका के अधिकारियों पर सवाल खड़ा कर गुजरात की राजनीति में भूचाल ला दिया है। भाजपा विधायक और गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री कुमार भाई कानानी ने कहा है कि प्राथमिक सुविधाओं में रास्ता खराब है, पानी की समस्या है, सफाई और ड्रेनेज की समस्या है और अतिक्रमण के मुद्दों को लेकर म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ चर्चा की थी तो उन्हें जो जवाब मिला वो संतुष्ट नहीं थे, वो अपने प्रश्नों का हल चाहते हैं। भाजपा विधायक ने कहा कि सड़कों, गाय भैंस के घूमने का मामला 3-4 साल से चला आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग अपनी समस्या उन तक इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं और वो काम नहीं करते। पहले कांग्रेस के पार्षद हुआ करते थे, कॉरपोरेशन के काम करवाने की जिम्मेदारी पार्षदों की होती है। आपके पार्षद तो कचरा की गाड़ी का वीडियो बनाते हैं, राशन की दुकान का वीडियो बनाते हैं और दारू के अड्डों का वीडियो बनाने में रुचि रखते हैं, जनता के काम में रुचि नहीं रखते। कमिश्नर की जो टीम है, हमारे जोन अधिकारी जो है, उससे साथ हम बात करते हैं, हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि हम जो काम बताते हैं वो उसको तुरंत हल करना चाहिए। मैं जानता हूं कि वैभवती अधिकारी जो है वो उसकी काम करने की इच्छा शक्ति कम है, मैं मानता हूं, और जब हम बोलते हैं, आवाज उठाते हैं तो तंत्र दौड़ने लगता है। बीजेपी विधायक कुमार भाई कानानी ने अखबारों में छपी अपनी खबरों को लेकर ट्वीट करके लिखा है कि 25 वर्षों से सरकारी जवाब सुनकर वो परेशान हो गए हैं, अब परिणाम दो वादा नहीं। विधायक का कहना है कि सूरत महानगर पालिका में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों के काम करने की इच्छा शक्ति कम है, वो अब आवाज उठाते हैं तो अधिकारी काम करने लगते हैं। सूरत महानगर पालिका में वर्षों से सत्ता संभाल रही बीजेपी के विधायक का ये हाल है तो बाकी का हाल क्या होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। हालांकि कुमार भाई कानानी समस्याओं के हल ना होने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ना कि अपनी पार्टी के नेताओं को। हम सत्ता में बैठे 25 साल से सूरत महानगर पालिका, हमने क्या किया? हम तय करते हैं कि 10-20 बनाने का है, किस जगह बनाने का है, कैसे बनाने का है, टेंडर की प्रक्रिया करने का, ब्रिज बनाने का, ब्रिज का वो पूरा करने का, गार्डन बनाने का, कम्युनिटी हॉल बनाने का, ऑडिटोरियम हॉल बनने का, रास्ता बनाने का, विकास का काम करने की नीति हम बनाते हैं, काम करने की शुरुआत हम करते हैं, वो तो काम की बात है, विकास का काम तो हम कर रहे हैं। सूरत को गंगा गोबरा सूरत जो था वो स्वच्छ हमने बनाया, नंबर 1 सूरत हमने बनाया। इस साल के आखिर में गुजरात के विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में राज्य की सत्ताधारी पार्टी भाजपा के विधायक का अधिकारियों को लेकर बयान काफी मायने रखता है। भाजपा विधायक ने धमकी दी, वो अपनी बात मनवाने के लिए कमिश्नर के साथ भी लड़ेंगे। जो वहीवती तंत्र के अधिकारी के सामने लड़ाई लड़ना, ये कोई पार्टी के विरुद्ध में कोई बात नहीं है और पार्टी हमको कुछ बोलती भी नहीं है क्योंकि हमने पार्टी के विरुद्ध में कोई बात ही नहीं की है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा विधायक कुमार भाई कानानी के प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर लगाए गए आरोप को गंभीर ठहराया। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश महामंत्री मनोज सोरठिया ने कहा कि जिन लोगों के अधिकारी ना सुनते हो ऐसे लोगों को ना चुने। आज उन्होंने जब उनको डांट पड़ी तो कहा कि नहीं, आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है वो काम नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी गंभीर बाबत है। हम जब चुने गए हैं तो उनका 1.5 साल ही हुआ है और उन्होंने कहा 25 साल से जो है यहाँ के जो तंत्र के अधिकारी है वो काम नहीं कर रहे। अगर एक चुना हुआ प्रतिनिधि धारा सभ्य ये कहता है कि सरकार में बैठे हुए, तंत्र में बैठे हुए लोग हमारी जो हमारा काम है वो नहीं कर रहे हैं, तो बड़ी गंभीर बाबत है। बीजेपी विधायक के तेवरों से पार्टी ही सवालों के घेरे में है। इस मुद्दे को लेकर गुजरात की राजनीति का गरमाना अब तय माना जा रहा है। सूरत से संजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।